मैं तो अमोल के साथ में एक्टिंग मैंने कर नहीं सकती बिकॉज मैं तो नेचुरली खूबसूरत हूँ, उनको रियलिस्टिक चाहिए होता है तो उसमें अब मैं क्या करूँ उसके अंदर, इवन विदाउट मेकअप पूरा साहित्य है जो मराठी है वो तो हीट है ही, लेकिन जो लिखने वाले राइटर है वो थोड़े कम गिरते हैं। 1980 के दशक में उन्होंने लिखी हुई कहानी थी तो 2016 में भी मैं उसको अगर अडेप्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से उसको अडेप्ट कर पा रहा हूँ। जो कैरेक्टर्स के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं आई कैन ईजिली से कि दे आर एट पार और मे बी इवन बेटर देन हिंदी सिनेमा। हाय दिस इज अमोल। हाय मैं भाव कदम। नमस्ते मैं विधि, हम लोग टीम नशीबवान हैं और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। विधि वॉज टेलिंग मी कि दैट भाई मैं तो अमोल के साथ में एक्टिंग मैंने कर नहीं सकती बिकॉज मैं तो नेचुरली खूबसूरत हूँ, उनको रियलिस्टिक चाहिए होता है तो उसमें अब मैं क्या करूँ उसके अंदर, इवन विदाउट मेकअप जी। ओके भाऊ, बहुत अच्छी बातें आई थिंक अमोल ने करी। राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज मैंने बहुत से डायरेक्टर्स से और इवन श्रेयस तलपड़े से हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी, श्रेयस ने भी एक बात कही दैट मराठी में इतना लिटरेचर है, इतना कुछ है जिसको कि अडेप्ट किया जा सकता है सिनेमा में, लेकिन किया नहीं जा रहा है। और क्या होता है कि दैट जुबान का सिर्फ ये नहीं कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें जो थॉट प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट है मराठी लिटरेचर में और वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको क्या लगता है कि दैट और क्या एफर्ट्स करने चाहिए कि जो अच्छा लिटरेचर है, अच्छा साहित्य है मराठी में वो पर्दे पर आए, चाहे छोटे पर्दे पर आए चाहे बड़े पर्दे पर आए, डिजिटल पे आए? नहीं, अपना जो पूरा साहित्य है जो मराठी है वो तो हीट है ही, लेकिन जो लिखने वाले राइटर है वो थोड़े कम गिरते हैं वो समझने में। स्क्रीन प्ले वैसे के वैसे आना चाहिए, नहीं तो जो बाबू का बोलने का मतलब यह है कि जो लेजेंडरी राइटर्स ने लिख के गया है उसको ये नए तरीकों में अडेप्ट करने में थोड़ा सा एक वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं पा रहा है इसलिए वो। और जो थर्ड पर्सन है वो डायरेक्टर है, वो उसको वापस दिखाएगा तो उसको हिसाब से वो अलग नज़रिया उसका हो जाता है देखने का उसकी तरफ। तो मेन जो स्टोरी है तो वो करेक्ट उधर आती नहीं, फिर वो उसमें कुछ चेंजेस करता है वो, फिर ये अलग अलग हो जाता है। अगर आ जाएगी कम्प्लीटली सब समझ लेंगे कि करेक्ट है ये, एक तो वो पिक्चर सेम उस स्टोरी का ये जो है क्या बोलते हैं उसको अभी जिस्ट, हाँ म्हणजे जी स्टोरी ज्याचं महत्त्व आहे जशी ज्या तशी ती आली तर प्रॉब्लेम नाही, एक तो ऊपर भी ले जाएगी नहीं तो नीचे भी लाएगी। तो वो जो सब उसमें मिलजुल के काम करेंगे ना वो सोचेंगे, जैसे हिंदी में ज़्यादा करके 3-2 साल तो लेते हैं स्टोरी पे, वैसे मराठी में नहीं होता है। एक महीने में चलो करने का कर लिए बैठे, चेंजेस ज़्यादा नहीं, चेंज कर रहा है तो उसको बोलते यार क्या कितना टाइम लगाता है तू, वैसे प्रोड्यूसर भी होनी चाहिए समझने वाले, तो इतना वक्त देना चाहिए तो वो सब आ जाएंगे। हमारी नशीबवान की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो उदय प्रकाश जी की कथा है दिल्ली की दीवार, उस पर आधारित है। और मज़े की बात यह हुई कि मैंने, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहानी सुनाई और मैंने बहुत ही मतलब कैजुअली उनको पूछा कि सर क्या मुझे मराठी फिल्म बनानी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा प्लॉट और बहुत ही मतलब 1980 के दशक में उन्होंने लिखी हुई कहानी थी, 2000 के आसपास वो पब्लिश हुई और आज भी देखो 2016 में भी मैं उसको अगर अडेप्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से उसको अडेप्ट कर पा रहा हूँ। तो और ये कहानी 2060 में भी उतनी ही रेलिवेंट रहेगी। उदय प्रकाश जी ने एक तो बहुत ही सपोर्टिव रह के बहुत ही प्यार से मुझे वो कंटेंट दे दिया कि नहीं आप बनाओ मराठी फिल्म। लेकिन सर भाऊ का जो अभी ये जो भाऊ बोल रहे थे, रीसेंट टाइम्स में जो जो मराठी फिल्में वांग्मय पे आधारित जो बनी उसमें थोड़ा सा और रिसर्च और थोड़ा सा और करने की ज़रूरत थी, ऐसा भाऊ बोल रहे हैं। विधि, आपको मराठी फिल्म्स में ऐसा क्या लगता है कि आप प्रोड्यूस करती हैं, आपने इससे पहले भी आपने प्रोड्यूस करा है, आप हिंदी फिल्म में भी आप जाने वाली हैं, सूरज बड़जात्या के साथ में आपने काम किया हुआ है, लेकिन मराठी फिल्म्स को आपको प्रोड्यूस करने का आपका जो तजुर्बा है वो कैसा रहा है और क्या क्या बदला है पिछले कुछ सालों में, इंक्लूडिंग GST का भी? आई थिंक इट हैज़ रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, सो डज इट हेल्प यू नॉट? द थिंग इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर हिंदी फिल्म्स में, व्हेन आई स्टार्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर एंड देन वेंट ऑन टू बी डायरेक्टर इन 2010, फिर उसके बाद में जब सूरज जी ने इनकरेज किया कि नहीं तुम करो अपने आप
तुम्हारी कहानियाँ, तुम्हें जो कहनी है, वॉट यू वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट यू स्टार्ट आउट. तो तब आई स्टार्टेड वॉचिंग लॉट ऑफ रीजनल सिनेमा एंड आई फेल इन लव विद मराठी फिल्म्स दैट आई केप्ट वॉचिंग एट द टाइम, वेदर हरीश चंद्राची फैक्ट्री, यशवास, देओल, सो मेनी वंडरफुल जेम्स. तो वो देख के मुझे लगा कि दीज पीपल आर सो डेयरिंग टू मेक सच ब्यूटिफुल ऑफ बीट सब्जेक्ट्स इन सच अ मेन स्ट्रीम वे एंड अ लॉट ऑफ देम कमर्शियली तो ये ज़्यादा काम करती हैं दैन द सेट फॉर्मैट ऑफ एक्शन या नाच गाना काइंड ऑफ अ थिंग. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड कि नहीं मराठी फिल्में करनी है मुझे. तो माई फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर वॉज अ मराठी फिल्म सांगतवाई का, भाव वॉज अ पार्ट ऑफ दैट. एंड अभी नशीबवान हमारी सातवीं फिल्म है, दैट्स आवर सेवेंथ फिल्म एंड भाव इज इन दैट. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द मराठी इंडस्ट्री एंड फ्रॉम वेन वी स्टार्टेड टू नाउ अभी मुझे लगता है देर ऑफकोर्स इट हैज़ ग्रोन अ लॉट मोर with Sairat doing great business. Suddenly everybody's attention was towards Marathi films, the non-Marathi audience ki right. Marathi mein kya aa raha hai. So then I think as an industry all producers decided ki hamari prints mein English subtitles hain. So for the benefit of anybody who would like to come and watch a film, sari Marathi filmon mein subtitles, English Jee. subtitles rehte hain. So that was one major change. Then I think with many films and many younger people like Amol and others who are sort of making their first films, this is Amol's first film as director, but aapko film dekh ke aisa lagega nahi ki it is the first film. So younger people came in, to pehle kahaniyan wo rural bhi keh rahe hain, urban bhi keh rahe hain, but they are saying it in a new way. तो अगर आप देखेंगे इट इज़ नॉट ओल्ड काइंड ऑफ टेकिंग वैसी नहीं होगी. सो इट इज़ वेरी न्यू एज एंड इट्स अप टू डेट विथ हिंदी. मे बी बिकॉज बजट्स आर डिफरेंट, द प्रोडक्शन वैल्यूज मे नॉट बी दैट मच, बट द सोल और जो कहानी का एक मीनिंग और जो कैरेक्टर्स के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज हैं, आई कैन ईजिली से कि दे आर एट पार और मे बी इवन बेटर देन हिंदी सिनेमा. डेफिनेटली डेफिनेटली. इन फैक्ट ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ सर्टन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मराठी में नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन जब उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म बनाने के लिए वो गए तो वो पसंद नहीं की गई, बिकॉज उसमें आई थिंक जिस तरीके से फिर उनको बताया गया जाता होगा कि भाई आपको यूपी को भी आपको केटर करना है, आपको बिहार को भी केटर करना है, आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी केटर करना है. तो अब अपने जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका विजन है, उससे वो ज़्यादा अगर जब फैलाने की कोशिश वो करी उन्होंने कहीं ना कहीं, तो शायद वो डजंट वर्क. एंड मतलब आई एम नॉट टेकिंग नेम, बट नेशनल अवार्ड भी नहीं मराठी डायरेक्टर फॉर श्योर जी. बट ऑन द बिजनेस साइड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर नाउअडेज 100 प्लस सेंटर्स में फिल्म्स आर बीइंग शोन, इवन द स्मॉल लेवल फिल्म्स, द बिग लेवल फिल्म्स 400 में भी जाते हैं. सो यू हैव टू पिक एंड चूज कि ये स्टोरी का सब्जेक्ट कितना है, कितना आपको पहले वीक में खोलना है और उसके बाद देन सब्सिक्वेंटली आपको खोलना है. सो बिजनेस वाइज थिंग्स आर इम्प्रूविंग. GST की वजह से थोड़ा एक डैम्पन आया था, क्योंकि यू मस्ट बी अवेयर मराठी फिल्म्स वर टैक्स फ्री रीजनल सिनेमा इन जनरल जी, बट GST की वजह से एक टैक्सेशन आ गया जिसकी वजह से वो टिकट रेट्स थोड़े से ऊपर हो गए. बट आई एम श्योर दैट आई मीन लाइक ऑल इंडस्ट्रीज are coping with GST, we will also cope and sort but of but now I believe it has reduced has reduced wo alag alag ticket rates ke hisab se they've capped it ki iske niche it will be 18, iske upar it will be 28 etc. so hi, this is Amol. hi, main Bhau Kadam. namaste, main Vidhi. hum log team Nashibvaan hain और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर.